हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाय आराध्या। आई एम अनुज तोमर। आज आए हैं हम नेशनल म्यूजियम, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली। और इसमें आपको दिखाएंगे भाई क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी आपको। हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसके अलावा जो है आपको हम ये भी बताएंगे यहाँ पर टिकट कितने का है। तो भाई हमने टिकट ले लिए हैं, 20 रुपीज़ का इसमें टिकट है एक पर्सन का, और ये मंडे को क्लोज रहता है। ये भी हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आज मेरे साथ है भाई नीरज। तो नीरज देखो, जो कि टिकट लेकर आया है, ये रहा टिकट, ये इसका टिकट है, ये नेशनल म्यूजियम का टिकट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये 40 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, दो लोगों का जो है 40 रुपीज़ का टिकट है, और इसमें ये सब चीज़ें कवर होती है। हाँ, इसी में सारी चीज़ें कवर आपकी हो जाएगी। अलग से कोई म्यूजियम का अलग से कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। इसमें जो म्यूजियम है वो पूरा जो है इसी में कवर होता है। ये इसका एंट्री गेट, यहाँ से ले जाते हैं टिकट। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। ओपन फ्रॉम 10 to 6 PM, क्लोज ऑन मंडे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा है। यहाँ से करते हैं एंट्री, चलिए चलते हैं अंदर।
गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स फन बाय आराध्या। भाई हम जो है काफ़ी हिस्ट्री म्यूजियम में हम घूम के आए हैं और अभी पार्क में बैठ गए हैं। हिस्ट्री म्यूजियम जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें देखकर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें देखने की चीज़ें हैं भाई, आप पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, इतनी सारी चीज़ें उसमें देखने के लिए है। 3-4 फ्लोर है वहाँ पे और हम दो ही फ्लोर, 3 फ्लोर पे जा पाए हम। 3 फ्लोर पे गए थे हम। आज भी मेरे साथ नीरज है, ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली। तो आज संडे का है दिन, तो इसलिए हमने सोचा चलो आज कहीं घूम के आते हैं भाई। तो दिल्ली में हमें हिस्ट्री म्यूजियम में हमने देखा है तो आपकी 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की बुक इसमें कवर हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। इसमें आप लोग आकर के इसमें पढ़ भी सकते हो, साथ के साथ आपकी जो 10th क्लास तक की जो बुक है उसमें हिस्ट्री में जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन किया हुआ वो सब यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, फिजिकली देख सकते हो और इसमें सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपको बुक में समझ में नहीं आता है वो आपको यहाँ से समझ में आ सकता है आराम से।